हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचआर रेटिंग। तो आप भी अपने इंस्टाग्राम में नॉर्मल और बोरिंग वीडियो को अपलोड करके परेशान हो गए होंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ इस तरीके से अपने वीडियो पे ग्लो लाके अपना वीडियो को वायरल कर सकते हो। तो आप भी कुछ इस तरीके से अपने वीडियो पे ग्लो लाना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, इस तरीके का रील एडिट करने के लिए आपको कैपकट ऐप का जरूरत पड़ने वाला है, जो कि आपको गूगल में इजीली मिल जाएगा। तो वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आपको अपने मोबाइल को सिक्योर वीपीएन से वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट होने के बाद आपको अपने कैपकट ऐप ओपन करना होगा। कैपकट ऐप ओपन करने के बाद आपको अपना वीडियो का साउंड कम कर लेना है, और यहां से राइट क्लिक करके आपको बैक आना पड़ेगा। बैक आने के बाद आपको इधर इफेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और इधर आपको वीडियो इफेक्ट मिल जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद इधर आपको बहुत सारा फिल्टर्स मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको इधर रेट्रो ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आना होगा, और इधर आपको बहुत सारा फिल्टर्स मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आपको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करके नीचे आ लेना है। तो नेक्स्ट आपको इधर रेट्रो ब्लू करके ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ से राइट क्लिक करके आपको बैक आना होगा, और इस लेयर को आपको अपने वीडियो का एंड तक लगाना होगा। और नेक्स्ट आपको इस लेयर पे क्लिक करके इधर एडजस्ट ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस एडजस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और इधर से आपको फिल्टर को जीरो कर लेना है, और यहाँ से आपको ग्लो को थोड़ा बढ़ाना होगा, और शार्पनेस को आपको थोड़ा कम कर लेना है, और ब्लर को थोड़ा ज़्यादा कर लेना है, और ग्लो को थोड़ा बढ़ाना होगा। कुछ इस तरीके से सेटिंग रखने के बाद आपको यहाँ से राइट क्लिक करके बैक आना होगा। अपने वीडियो के हिसाब से आपको अपने सेटिंग को रख लेना है, और नेक्स्ट आपको अपने ओरिजिनल वीडियो पे क्लिक करना होगा, और इधर आपको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करने के बाद इधर एडजस्ट ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस एडजस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और इधर आपको ब्राइटनेस को कम कर लेना है। ब्राइटनेस कम होने के बाद आपको सैचुरेशन पे आना होगा, और सैचुरेशन को इनक्रीज़ करना होगा। सेचुरेशन इंक्रीज होने के बाद आपको एक्सपोजर पे आना होगा, और एक्सपोजर थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, और नेक्स्ट आपको इधर हाईलाइट ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस हाईलाइट ऑप्शन पे क्लिक करके थोड़ा माइनस करना होगा, और नेक्स्ट आपको इधर टेम्परेचर ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा लेना है। टेम्परेचर ऑप्शन बढ़ाने के बाद आपको यहाँ से राइट क्लिक करके बैक आना होगा। बैक आने के बाद हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है, तो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। कुछ इस तरीके से आप अपने कैपकट ऐप में वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो आई होप गाइज इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले इसी तरीके से और एक वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।